धोनी काफी समय से क्रिकेट से दूर हैं। 8 महीने से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हाल ही की खबरों के मुताबिक क्रिकेट से 8 महीने दूर रहने वाले धोनी 1 मार्च को प्रैक्टिस में लौट रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि धोनी 29 मार्च से शुरू हो रहे IPL में वापसी करेंगे। इस बीच धोनी की शुक्रवार को मुंबई के गोरेगांव में देखा गया। वो मुंबई में एक एड शूट के लिए पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने अपनी दोस्त सपना बवनानी से हेयर कट भी करवाया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटी जीवा उनका मेकअप करती दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जीवा हाथ में ब्रश लेकर धोनी का मेकअप कर रही है और वहीं पीछे सपना भवनानी खड़ी है। धोनी कुर्सी पर बैठे हैं और उनकी गोद में बैठकर जीवा मेकअप कर रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। बता दें, हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी धोनी की खास दोस्त है और वो सपना से ही हेयर कट करवाते हैं। धोनी ने 9 जुलाई को भारत के विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, जिसके बाद वो क्रिकेट से दूर हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। MS धोनी को BCCI की अनुबंध सूची से भी बाहर रखा गया है। MS धोनी ने अपने भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया है। लोगों को MS धोनी का क्रिकेट ग्राउंड पर बेसब्री से इंतजार है। 29 मार्च से धोनी अपनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।